गाइज अपने इंडिया सर्वर के अंदर ईवीएम 887 और ड्रैको M10 रिटर्न के लिए इतनी ज़्यादा डिमांड बढ़ चुकी है भाई, इतनी ज़्यादा डिमांड बढ़ चुकी है यार, क्या ही बोलूँ। आप लोगों के भर भर के कमेंट्स आते हैं ईवीएम 887 और ड्रैको M10 रिटर्न की कंफर्म डेट बता दो। तो भाई टेंशन मत लो, इस वीडियो के अंदर ड्रैको M10 रिटर्न और ईवीएम 887 रिटर्न के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। कब तक रिटर्न आ जाएंगी, क्या सीन रहेगा, टोटल आपके कितने डायमंड खर्च होंगे और किस टाइप के इवेंट में ये हमें रिटर्न देखने को मिलेंगे। और बताना मुझे कमेंट बॉक्स में आपको ईवीएम 887 रिटर्न चाहिए या फिर ड्रैको M10 रिटर्न चाहिए। आपको जो भी ईवो गन स्किन रिटर्न चाहिए कमेंट कर देना, मैं भी तो देखो भाई किस ईवो गन स्किन की रिटर्न के लिए ज़्यादा डिमांड बनी हुई है, ठीक है ना। और इसी के साथ में गाइस अपने प्रीवियस वीडियो पे कुछ कमेंट्स आ रही थी, जिनमें से कुछ इंपॉर्टेंट कमेंट्स मैंने पिक कर लिए हैं। और यार एक भाई को तो कमेंट यार कुछ ज़्यादा फनी लगी, जो जिनका नाम है टॉप गेमर, और ये कह रहे हैं अपनी चड्डी का प्राइस बता दो हमें भी लेना है। तो भाई देखो यार प्राइस तो वही है 100-150, ठीक है ना। लेकिन आप लोगों को बताना है कमेंट बॉक्स में आपकी चड्डी का ब्रांड कौन सा है, ठीक है ना भाई। जब आप ऐसा मजाक कर सकते हो तो मैं क्यों नहीं। तो ब्रांड नेम भाई जोर से बताना अपनी चड्डी का। और ऐसे कुछ कमेंट्स आ रहे थे गाइज अलग अलग टॉपिक्स को लेके, इवेंट्स वगैरह को लेके, तो उन सबका रिप्लाई करूंगा। बाकी अगर आपके मन में कोई भी कमेंट चल रहा है किसी भी टॉपिक को लेके, तो भाई बेझिझक कमेंट कर दिया करें, मैं सबका रिप्लाई करता हूँ। और ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है तो नेक्स्ट वीडियो में भी रिप्लाई करता हूँ, ठीक है ना। तो भाई इस वीडियो को पूरा देखें, हमें चक्कर आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए हो, पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेट कर लेना। तो चलिए गाइज स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले गाइज आपके कुछ कमेंट्स का रिप्लाई कर देता हूं। तो भाई देखो यहां पे पहली कमेंट आ रही है एटी गेमिंग की तरफ से, जो कह रहे हैं भाई तो फेस रिवील करो। भाई देखो मैंने ऑलरेडी फेस रिवील किया हुआ है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है, जब आप मेरे चैनल पर जाओगे ना तो भाई वहां पे आपको फ्रंट पे मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें मैंने फेस रिवील किया है। तो आप उसको जाके देख लेना और आप मेरा फेस देख सकते हो। बाकी मेरे से भाई जुड़ना चाहते हो, ठीक है ना, मतलब जो भी मैं अपडेट्स वगैरह डालते रहता हूँ, अपने मजे जो भी लेते रहते हैं वो यार मैं इंस्टाग्राम पे डालते रहता हूँ, आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लें, टेक्नोबाई7 यूजर नेम, लिंक वगैरह आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, ठीक है ना। और गाइज यहाँ पे नेक्स्ट कमेंट आ रहा है FF स्पोर्ट्स वेरीफाइड की तरफ से, जो कह रहे हैं भाई ट्रॉपिकल पैरेट M87 कब आएगा और ब्लैक टीशर्ट कब आएगा। तो भाई देखो मैं आपको बता दूं, ये दोनों ही आइटम जो है हमें नेक्स्ट ओवी अपडेट के अंदर रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। चांसेस अभी थोड़े कम है इस सर्वर के, मतलब इस अपडेट के अंदर तो हमें देखने को नहीं मिलेंगे, नेक्स्ट ओवी अपडेट के अंदर देखने को मिल सकते हैं, ठीक है ना। इसी के साथ में गाइस नेक्स्ट कमेंट आ रहा है सेकंड सेंसाई की तरफ से, जो कह रहे हैं भाई गेम प्ले के लिए कन्फिगर यूज करते हो क्या, अच्छा गेम प्ले है रिप्लाई दे दो ब्रो। भाई सबसे पहले तो थैंक यू। एंड देखो भाई यहाँ पे मैं गेम प्ले के लिए कोई भी ऐसी चीज यूज नहीं करता हूँ, जैसा आप समझ रहे हो ये मेरा ओल्ड गेम प्ले है जब फ्री फायर बैन नहीं हुआ था। उससे पहले भाई ज्यादातर लोग फ्री फायर खेलते थे एंड मैंने हेडशॉट के ऊपर वीडियो बनाई हुई है कैसे आप हेडशॉट वगैरह मार सकते हो। और बात रही भाई ऐसे गेम प्ले की, तो भाई देखो मैं वीडियोस में सिर्फ वही ज़्यादातर चीज़ें लगाता हूँ जिनमें मैं हेडशॉट मार रहा हूँ। नॉर्मल चीज़ें कभी कभी लगा दी, अपने आपको पिटता हुआ भी दिखाता हूँ, वरना फिर तो यार ज़्यादातर लोग यही समझेंगे ना जैसे आप सोच रहे हो। तो ऐसा कुछ नहीं है भाई, ये मेरा नॉर्मल गेम प्ले था पहले वाला, लेकिन अब जो मेरा गेम प्ले है वो थोड़ा बेकार हो चुका है, क्योंकि फ्री फायर बहुत कम खेल रहे हैं सब लोग, बहुत कम खेल रहे हैं, ठीक है ना। तो मैं तो भाई ना के बराबर ही खेल रहा हूँ, बाकी गेम प्ले मैं ओल्ड वाले लगा रहा हूँ जिसमें यार अपने हेडशॉट वगैरह हैं और देखने में आपको अच्छे लगते हैं। भाई देखो अगर आपका भी चैनल होगा ना तो आप अपनी वीडियोस में हेडशॉट ही हेडशॉट दिखाओगे, हो सकता है कभी कभी आप अपने आपको पिटता हुआ दिखा दो, जैसे कि मैं अपने आपको कभी कभी पिटता हुआ भी दिखाई देता हूँ, ठीक है ना। तो ये जरूरी है भाई, ऐसे वीडियो अच्छा लगता है जैसा आप कह रहे हो। एंड बहुत बंदे भाई तारीफ भी करते हैं, बहुत बंदे कुछ और भी भोंकते रहते हैं, मैं क्या ही बोलूं। तो यार ये कमेंट्स आ रहे थे आप लोगों की, जो कि मैंने पिक कर लिया है एंड रिप्लाई भी दे दिया है। बाकी जिस भाई का कमेंट मैं पिक नहीं कर पाया हूँ वो इस वीडियो पे कमेंट कर दो, नेक्स्ट वीडियो में जोर से पिक करूंगा। और चलिए अब अपने ड्रैको M10 और ईवीएम 887 रिटर्न के बारे में बात कर लेते हैं। तो भाई देखो ईवीएम 887 अपने 5th एनिवर्सरी पे आया था, शायद अगस्त के महीने में आया था, ठीक है ना। तो बहुत बंदों की डिमांड इसलिए बढ़ चुकी है कि भाई 6th एनिवर्सरी है तो हो सकता है ईवीएम 887 रिटर्न आ जाए। तो भाई देखो ये कन्फर्म है ईवीएम 887 रिटर्न आएगा, क्योंकि एनिवर्सरी का आइटम था और हमें इस एनिवर्सरी पे जोर से रिटर्न देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो अगस्त के महीने में ही रिटर्न आएगा। और देखो ड्रैको M10 की भी डिमांड ज़्यादा बढ़ चुकी है एंड उसकी भी लीक्स गई अगस्त के महीने में ही आने की हैं। तो ऐसा हो सकता है गरना वाले क्या करेंगे, इन दोनों आइटम्स को फेरिड व्हील इवेंट में अलग अलग ना डाल के इनको किसी रिंग इवेंट में या टोकन व्हील टाइप के इवेंट में रिटर्न डाल सकते हैं, जहाँ पे एक ईवो गन स्किन को निकालने में आपके कम से कम 1500 से 2000 डायमंड लगेंगे और दोनों ईवो गन स्किन को निकालने में आपके 3000 या 3500-4000 डायमंड लग सकते हैं, बाकी लक पे भी डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो ये दो सिनेरियोज निकल के आ रहे हैं गाइस और ये रिटर्न हमें देखने को मिलेंगे अगस्त के महीने में, क्योंकि भाई ये जुलाई का महीना पूरी तरीके से भरा हुआ है और हो सकता है जुलाई के एंड में रिटर्न देखने को मिल जाए, या फिर ऐसा हो सकता है पहले ईवीएम 887 रिटर्न आ जाए उसके बाद में ड्रैको M10 रिटर्न आए, ठीक है ना, ऐसा भी हो सकता है। वरना गाइज दोनों ईवीएम 887 और ड्रैको M10 को रिटर्न लाने के लिए एक इवेंट के अंदर दोनों को भी रिटर्न डाल सकते हैं, मेरी बात को आप समझ पा रहे होंगे। तो जिससे कि क्या होगा कि ऑडियंस इनसे मतलब खुश हो जाए, सरप्राइज दें, क्योंकि एक तो 6th एनिवर्सरी भाई सबको खुश करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, समझ रहे ना आप मेरी बात को। तो ये लीक्स निकल के आ रही है गाइज अभी अपने ईवीएम 887 और ड्रैको M10 के रिगार्डिंग। बाकी यहाँ पे और कोई कंफर्म लीक्स आते हैं मैं जरूर से शेयर करूंगा, अभी डेट वगैरह निकलनी बाकी है। और डायमंड तो देखो गाइज फेरिड व्हील में 1100-1200 लगते हैं,
बाकी रिंग इवेंट में तो यार लक पे है सब कुछ जो भी है, ठीक है ना, बाकी आप सब जानते हो। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही था, उम्मीद करूंगा आपको वीडियो पसंद होगी, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेट कर लेना। तो चलिए गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय।